दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको जो कॉपी पेस्ट चैनल है ये बताने वाला हूँ। यहाँ पर आप देखिए उस चैनल पर लास्ट 30 डेज में 1.5 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हुए एंड इसके बाद उसका जो मंथली रेवेन्यू है वो $4,000 से लेकर $64,000 का है, जो अगर हम मिनिमम $5,000 भी माने ना तो यहाँ पर आप देखो $5,000 इंडियन करेंसी में कितना होता है। तो यहाँ पर आप देखो $5,000 यहाँ पर 4 लाख रुपए से भी ज्यादा होता है इंडियन करेंसी में। एंड रिसेंटली इस चैनल का जो पॉडकास्ट है वो रोहित राज मोटिवेशन सर के चैनल पर आया है एंड उसमें इन्होंने बताया कि ये टोटल अपने चैनल से अभी तक कितनी अर्निंग कर चुके हैं। सबसे पहले आप वो क्लिप देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको इनकी तरह वीडियो क्रिएट करना है। जो कि मेरी अर्निंग बहुत अच्छी खासी होती है, इतनी हो रही है कि जितना एक गवर्नमेंट जॉब करने के बाद आदमी को होगा उतना अभी मैं घर पे बैठ के 2 से 3 घंटे काम करके कमा रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपना नॉलेज जारी रख रहा हूँ। चलिए अब बात करते हैं कि आप जो वीडियो लेते हो वो वीडियो कहाँ से लेते हो आप? भाई मैं जो भी वीडियो ले रहा हूँ वो एक चाइनीज एप्लीकेशन है क्वाइसो, ये सारी वीडियो आपको वहाँ पे ही मिलेगी क्वाइसो एप्लीकेशन। अब उसका लिंक भाई मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। भाई अप्रैल मंथ में मेरा ये चैनल थोड़ा डाउन हो गया क्योंकि मेरा मतलब एग्जाम के कारण मैं इस पे ध्यान नहीं दे पा रहा था। क्यों? टोटल मिला के मार्च में कितना अर्निंग आई थी? 76,000। हाँ, और अभी ये अप्रैल है तो कुल मिला के आपको 3-4 चैनल मिला के आपको 3 चैनल का 50 से 60 हज़ार रुपये आपका मिनिमम है आपका। हाँ नहीं भाई, पिछले मंथ मेरा 85 के आया, मतलब था 85,000। तो अब आप लोगों ने देख लिया इन्होंने कितने जल्दी सब्सक्राइबर्स कंप्लीट किया 1 मिलियन एंड इसके बाद कितना ज्यादा रेवेन्यू अभी तक इस चैनल से जनरेट कर चुके हैं। आप देखिए उस पॉडकास्ट में आपको ये नहीं बताया आपको वीडियो कहाँ से लेना है, बैकग्राउंड म्यूजिक कहाँ से लेना है, वीडियो की एडिटिंग कैसे करनी है, लेकिन मैं आपको ये पूरा प्रोसेस बताऊंगा। उससे पहले अगर आप कहोगे भाई तुम ऐसा खुद क्यों ट्राई नहीं कर लेते, तो भाई ऑलरेडी मेरे 3 शॉर्ट चैनल है, तीनों पर वीडियो वायरल होता है, रेवेन्यू जनरेट होता है एंड आज की बताई ट्रिक्स अगर शॉर्ट्स अपलोड करोगे ना तो ये सिल्वर प्ले बटन आप सिर्फ 10 दिनों के अंदर बुला सकते हो, क्योंकि मैंने अपने एक एक वीडियो से 40,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स गेन किए हैं। तो ये सिल्वर प्ले बटन तो मैं सिर्फ अपने 3 वीडियो से ही बुला सकता हूँ भाई। और मैंने रिसेंट में जो अपने शॉर्ट वीडियोस अपलोड किए अपने शॉर्ट चैनल पर उस पर देखो एक पर 1 मिलियन व्यूज होने वाले हैं, एक पर 100K व्यूज होने वाले हैं। यहाँ पर मैं अपने शॉर्ट्स को चुटकियों में वायरल कर लेता हूँ। अगर आपको सीखना है आप अपने शॉर्ट्स को कैसे वायरल कर सकते हो तो इस वीडियो को देख लेना, इसके लिंक आई बटन है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब देखिए सबसे पहले आपको इस तरह का वीडियो कहाँ से लेना, तो अभी आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा उस पर आप क्लिक करके यहाँ पर आ जाना एंड इसके बाद आपको आना है फाइल्स पर एंड यहाँ पर आपको एक एपीके मिलेगा बेस एपीके, यहाँ से आपको इसको डाउनलोड कर लेना है। ये वही चाइनीज ऐप है जिससे काफी सारे शॉर्ट क्रिएटर्स वीडियो लेते हैं एंड देखिए इस पर आपको डायरेक्ट वीडियो नहीं मिल जाएगा, आपको यहाँ पर कुछ आईडी पेस्ट करने होंगे। जैसे अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर मैंने कुछ आईडी पेस्ट हुई है। अब इनमें से किसी एक नंबर को हम उस चाइनीज ऐप में पेस्ट करेंगे तो हमारे सामने एक प्रोफाइल खुलकर आ जाएगा जो इस टाइप का वीडियो अपलोड करता है जो अभी आपने चैनल पर देखा। तो देखिए मैं यहाँ पर अभी नई आईडी पेस्ट कर दूंगा, लेकिन उससे पहले आप इस चैनल को ज्वाइन कर लेना क्योंकि मैं पेस्ट कर दूंगा एंड इसके बाद आप ज्वाइन करोगे तो आपको आईडी नहीं मिलने वाली। तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना एंड आईडी को आप पेस्ट करोगे तो वीडियो ऑटोमेटिक आपको सेफ में मिल जाएगा एंड इसके बाद अगर आपको उस ऐप से वीडियो डाउनलोड करने में कोई दिक्कत होती है तो आप एक बार टेलीग्राम चेक कर लेना, मैं एक वीडियो और अपलोड कर दूंगा यहाँ पर क्योंकि मैं यहाँ पर ये प्रोसेस नहीं बता सकता वरना मेरी वीडियो पर स्ट्राइक आ सकता है। एंड देखिए अब जो बात रही बैकग्राउंड म्यूजिक एंड साउंड इफेक्ट की वो आपको कहाँ से लेना है, तो देखिए आपको टेलीग्राम पर मैं सब कुछ प्रोवाइड करा दूंगा, बस आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि मैं टाइम टू टाइम यहाँ पर नई नई चीजें बैकग्राउंड म्यूजिक और भी यहाँ पर कई सारी आईडीज है नए नए चैनल पर सब कुछ यहाँ पर लिंक पेस्ट करता रहता हूँ तो वो आपको टाइम पर मिले उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। एंड देखिए आपके पास वीडियो आ गया, अब आपको चाहिए एक स्क्रिप्ट, तो स्क्रिप्ट कैसे लिखेंगे यहाँ पर आप देखो मैंने अभी अपना नोटपैड ओपन किया है एंड यहाँ पर आप देखो मैंने अपनी जो शॉर्ट वीडियोस होती है उनकी स्क्रिप्ट कुछ इस तरह से लिखकर रखी हुई है। अगर आपको नहीं आता स्क्रिप्ट कैसे लिखे वीडियो की तो मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए यहाँ पर सिंपल से हम नीचे क्लिक करते हैं, यहाँ पर देखिए काफी सारी स्क्रिप्ट लिखी हुई है। देखिए आपके पास मोबाइल में ऐसा कीबोर्ड आता है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको लैंग्वेज चेंज करना है हिंदी, याद रखिएगा हिंदी चेंज नहीं करोगे तो आपको स्क्रिप्ट नहीं लिखाएगा। अब देखिए आपको माइक्रोफोन का ऑप्शन मिलता है, देखिए आप पहले अपनी वीडियो है उसको 2 से 3 बार वॉच कर लीजिए क्या उसकी स्टोरी है, उसमें आकर हो क्या रहा है उसको अच्छे से समझिए। इसके बाद आपको स्क्रिप्ट यहाँ पर बोलना है, अपने मन से बोलना है, कोई यहाँ पर आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना है भाई, वीडियो देखकर आपको खुद समझ में आ जाएगा क्या बोलना है। जैसे एग्जाम्पल दिए मैं आपको बताऊँ ना तो यहाँ पर आप देखो मैं कुछ भी यहाँ पर स्क्रिप्ट लिख देता हूँ यहाँ पर देखिए। इसके बाद आप इस स्क्रिप्ट को AI वॉइस में कैसे कन्वर्ट करोगे तो यहाँ पर आप देखिए सिंपल से आपने जो स्क्रिप्ट लिखी है उसको यहाँ पर आपको सबसे पहले कॉपी कर लेना है एंड कॉपी करने के बाद अगेन आपको आना है क्रोम ब्राउजर पर एंड वहाँ पर मैं आपको एक वेबसाइट बताता हूँ जो इस टाइप का AI वॉइस जनरेट करता है। तो यहाँ पर उस वेबसाइट का नाम है 11 Labs, इस पर आपको आ जाना है एंड अगर आप एक शॉर्ट क्रिएटर हो आपको पता होगा पहले से इस वेबसाइट के बारे में, इससे आप 10 से ज्यादा वॉइस डाउनलोड नहीं कर सकते, इसमें आपको पैसा देना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको कोई प्रोसेस नहीं बताऊंगा बट आपको इससे रिलेटेड कोई सा भी प्रॉब्लम
प्रॉब्लम हो आप एक बार टेलीग्राम चेक कर लेना, बस यहाँ पर देखिए। इसके बाद आगे का प्रोसेस आपको पता होगा शायद से, यहाँ पर स्क्रिप्ट पेस्ट करेंगे एंड यहाँ पर सिंपल से जनरेट पर क्लिक कर देंगे, हमारी वॉइस जनरेट हो जाएगा। एंड देखिए अगर आपको यहाँ पर एडिटिंग नहीं आती है तो देखिए सबसे अच्छा एप्लीकेशन मैं आपको बताऊँ काइन मास्टर, क्योंकि काइन मास्टर में इतना ज्यादा आसान होता है वीडियो को एडिट करना एंड उसमें आपको काफी सारे फिल्टर्स मिलते हैं, काफी सारे यहाँ पर आपको फीचर्स मिल जाते हैं जिससे आप अपने वीडियो को प्रोफेशनल लेवल का क्रिएट कर सकते हो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड कमेंट में अपने चैनल का नाम जरूर से लिख देना, जिससे मैं अगर आपके चैनल को चेक करूं आप कोई मिस्टेक करो तो मैं आपको बता सकूं। तो चलिए फटाक से चलते हैं अपने काइन मास्टर एप्लीकेशन में। तो सबसे पहले आपको काइन मास्टर ओपन कर लेना है, इसके बाद आपको प्लस पर क्लिक करना है एंड आपके पास कोई सब काइन मास्टर का वर्जन हो आपको इसी तरह का इंटरफेस शो होगा। आप देखिए सबसे पहले आपको एक रेशो सिलेक्ट कर लेना है, तो मैं 9:16 का रेशो सिलेक्ट कर लेता हूँ, आप चाहो कोई सा रेशो सिलेक्ट कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पर आपको नॉर्मल से इंटरफेस शो होता है, सबसे पहले आपको क्या करना है यहाँ पर देखिए आपने जो चाइनीज वीडियो अभी डाउनलोड किया है उसको सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ, जो मैंने डाउनलोड किया वीडियो उसको यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ एंड यहाँ पर देखिए तो अभी मैंने इस वीडियो को ऐड कर लिया है। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है यहाँ पर जो साउंड है इसका, इसको आपको म्यूट कर देना है यहाँ पर क्लिक करके एंड इसके बाद आपके यहाँ पर एक लोगो दिख रहा होगा आईडी का, उसको आपको मिटाना है। तो मिटाने के लिए आपको वीडियो पर फिर से क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है पैन एंड जूम का, इस पर आपको क्लिक करके इसको थोड़ा सा जूम कर देना है यहाँ पर दोनों हाथों से। अब लोगो हट जाएगा, आपको बराबर पर क्लिक कर देना है एंड इसके बाद देखिए आपको इस पर कलर फिल्टर अप्लाई करना होगा। तो सबसे पहले आपको जाना है इसको स्क्रॉल करना है एंड यहाँ पर फिल्टर पर जाना है, यहाँ से आपको जो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन सिलेक्ट होता है यहाँ पर कोल्ड का, इसका आपको थर्ड वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है एंड इसके बाद इसकी ओपेसिटी को आपको कर देना है 50 एंड बैक आना है दोबारा एंड एडजस्टमेंट पर जाना है। इसके बाद अब आपको कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा सा बढ़ाना है, सेचुरेशन को बढ़ाना है एंड इसके बाद टेम्परेचर को कम करके हाईलाइट को थोड़ा सा बढ़ा देना है। अब आपको वीडियो अच्छा कलर ग्रेड हो गया है। अब देखिए इसके बाद आपको इसमें कुछ काम करना होगा, यहाँ पर देखिए इस पर आपको क्लिक करके यहाँ पर आपको एक ऑप्शन होता है रोटेट एंड मिररिंग का। अभी आप देखो ये वीडियो में इस तरफ डॉग आता है एंड यहाँ से निकलता है, लेकिन रोटेट पर क्लिक करके फर्स्ट ऑप्शन पर जब हम क्लिक करेंगे तो देखो पूरा पोर्शन ही चेंज हो गया। अब आपको इस पर कोपरेट आने का बिल्कुल चांस ही खत्म हो जाता है। कलर ग्रेडिंग तो आपने कर दी और इसको कर दिया तो आपको कोपरेट कभी नहीं आएगा। अब देखिए ऑडियो ऐड करने के लिए आपको करना है, आपको जाना है ऑडियो पर एंड इसके बाद आपको जाना है एल्बम पर, यहाँ से आपको जाना है डाउनलोड पर एंड आपने जो 11 ऐप का वॉइस डाउनलोड किया है उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर मैं फटाक से अपनी वॉइस को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए अब मैंने वॉइस सिलेक्ट कर लिए। अब मैं आपने मेरी वीडियोस में देखा होगा और आप मेरे शॉर्ट चैनल को जानते हो जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिख रहा होगा, उस पर मैं क्या करता हूँ मैं अपनी एआई वॉइस को लगातार बोलने देता हूँ, कहीं भी मैं गैप नहीं रहता। तो कैसे रहता है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए सबसे पहले आपको अपनी वॉइस में थोड़ा सा इफेक्ट डालना होगा, इसके लिए आपको क्या करना है रिवर्ब पर जाना है एंड स्क्रॉल करके आपको स्टूडियो सेलेक्ट कर लेना है एंड इसके बाद यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर देखना है इसको थोड़ा सा जूम करके कहाँ पर इस ऑडियो में गैप आ रहा है। यहाँ पर देखिए यहाँ तक ऑडियो ठीक चल रहा था लेकिन यहाँ पर गैप आ रहा है, तो आप क्या करोगे ट्रिम पर जाना है एंड इसके बाद स्प्लिट पर जाना है एंड यहाँ से आप क्या करना है यहाँ पर देखिएगा आपको जो पहला ऑडियो जहाँ पर ख़त्म हो रहा है वहाँ पर आपको दिख रहा होगा, वहाँ पर आपको दूसरे ऑडियो को लॉन्ग प्रेस करके ले जाना है। देखिए जहाँ से आपका पहला ऑडियो ख़त्म हो रहा है वहीं से ठीक दूसरा ऑडियो शुरू होना चाहिए। अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ, यहाँ पर देखिए ये देखिए जहाँ से ऑडियो ख़त्म हुआ वहाँ से दूसरा ऑडियो चालू हुआ। इस तरीके से एआई वॉइस लगातार बोलता रहता है, बीच में रुकता नहीं है। देखिए यहाँ पर एक कट है तो सेम प्रोसेस यहाँ पर क्लिक करेंगे एंड स्क्रॉल करके ट्रिम पर जाएंगे, स्प्लिट पर जाएंगे एंड इसके बाद इसको भी यहाँ पर ठीक हम यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर देख यहाँ पर इसको लॉन्ग प्रेस करके सिलेक्ट कर देते हैं एंड इसके बाद आगे यहाँ पर आप देखना है हमें कहाँ पर खाली गैप है जहाँ पर हमें दोबारा कट लगाना है। तो इस तरह के यहाँ पर आपने देखा कितना आसान होता है एडिटिंग करना। यहाँ पर देखिए यहाँ पर मुझे कहीं बड़ा गैप नहीं दिख रहा है लेकिन यहाँ पर देखते हैं ये रहा गैप, तो इसको आप क्या करना है यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्लिक करेंगे एंड स्क्रॉल करके आपको ट्रिम पर जाना है एंड स्प्लिट पर जाना है एंड इसके बाद आप क्या करना है यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले आपको इसको दोबारा से लॉन्ग प्रेस कर लेना है जैसा कि आपने पीछे प्रोसेस देखा था उसी तरह से। यहाँ पर देखिए तो मैं इसको यहाँ पर सिंपल से यहाँ पर क्लिक करता हूँ, लॉन्ग प्रेस करके यहाँ पर सिलेक्ट कर देता हूँ एंड देखिए अब हमारा ऑडियो ऐड हो गया है। अब आपको देखिए ऑडियो तो अच्छे से ऐड हो गया लेकिन जब तक आप इसमें कुछ ऊपर क्लिक बोर्ड लिखोगे नहीं ना बॉर्डर बना के, तब तक इस वीडियो पर क्लिक्स तो बिल्कुल भी नहीं आने वाले, क्योंकि आपको वीडियो होम पेज पर भी शो होता है जिसमें यहाँ पर शॉर्ट वीडियो का थंबनेल शो होता है। तो देखिए आपको लेयर पर जाना है एंड इसके बाद आपको मीडिया पर जाना है एंड सबसे पहले आपको इमेज एसेट पर जाकर एक बैकग्राउंड ले लेना कोई सा भी खाली एंड इसकी जो लेयर है इसको आपको ले आना है वीडियो के एंड तक। यहाँ पर देखिए यहाँ पर मैं ले आता हूँ इस वीडियो के एंड तक यहाँ पर एंड इसके बाद इसका कलर आपको चेंज करना रहेगा। कौन सा कलर मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर कई सारे बॉर्डर्स आप बना सकते हो। देखिए
सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पर इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे जिससे हमें बॉर्डर ऐड करने में आसानी हो। आप देखिए इसका जो कलर है उस पर क्लिक करके हम इसको करेंगे रेड, एंड इसके बाद रेड जैसे ही हम कर लेंगे इसको यहाँ पर हमें जूम करना है, यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह से ज़्यादा जूम कर लेना है। एंड इसके बाद अब आपको ऊपर की तरफ इसको स्क्रॉल करना है यहाँ पर जब तक यहाँ पर अच्छे से एडजस्ट नहीं हो जाता, यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर हम इतना ही एडजस्ट रहने देते हैं, बाकी आप अपने हिसाब से कर सकते हो। देखिए इतना रहने देता हूँ। अब आपका करना है यहाँ पर आप देखिएगा आपको साइड में एक ऑप्शन सा होता है थ्री डॉट का, इस पर क्लिक करके आपको डुप्लीकेट कर देना है। एंड इसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपल से आपका करना है इसका कलर चेंज करना है, जो आपने डुप्लीकेट किया येलो कर देना है इसका कलर। एंड इसके बाद इसको थोड़ा सा नीचे ले आना है आपको, एंड इसके बाद आपको थ्री डॉट पर जाकर क्लिक कर देना है टू बैक पर, यहाँ पर देख सकते हो सेंड टू बैक। अब देखिए कुछ इस तरह का बॉर्डर क्रिएट हो गया। अब आप यहाँ पर कोई लेयर पर जाओ एंड टेक्स्ट पर जाओ एंड यहाँ पर क्लिक बैक टाइटल देख दो। मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए देख देता हूँ वेट फॉर एंड, देखिए वेट फॉर एंड इतना लिखने के बाद आपको सिंपल से यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देना है। एंड यहाँ पर आपको जाना फॉन्ट पर, कोई सा फॉन्ट सेलेक्ट कर लेना है। एंड देखिए आप जो यहाँ पर फॉन्ट का कलर सेलेक्ट करोगे वो एकदम अच्छा होना चाहिए, क्योंकि देखिए अगर आप यहाँ पर रेड पर व्हाइट सेलेक्ट करोगे तो वो एकदम हाईलाइट होगा, अच्छे से देखेगा। तो व्हाइट हमारा पहले से है, इसको थोड़ा सा कर लेते हैं एंड आप चाहो तो येलो भी कर सकते हो। ये देखिए इस तरह का कुछ हमारा ये बन गया है। अब आप क्या करना है यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले इसको थोड़ा छोटा करते हैं एंड यहाँ पर इसकी जो लेयर है इसको यहाँ पर वीडियो के एंड तक लेकर आ जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको वीडियो बनकर कंप्लीट हो गया है। अब आपको सिंपल से इसको एक्सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर शेयर पर जाना है एंड यहाँ पर आपको काफ़ सारे ऑप्शन शो होंगे, तो देखिए आपको इनको हाई पर क्लिक करके रखना है एंड जो यहाँ पर बिटरेट मिलता है इसको आप यहाँ पर कहीं भी सिलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद सिंपल से आपको सिर्फ इस वीडियो पर क्लिक कर देना है। आई होप आपको सबको समझ आया होगा। फिर आपको कोई भी डाउट एंड आपको कुछ भी समझ नहीं आया आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई करने की तरह से पूरी कोशिश करूंगा। मिलते हैं ऐसे मजेदार वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद एंड वंदे मातरम।